हाय गाइस, दिस इज़ रौनक चौधरी। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लाया हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर वीडियो। ये क्रैश कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2022 जेई के लिए पहला वीडियो है। एंड डू शेयर, सब्सक्राइब एंड बिल्कुल फोड़ दो वीडियो को। रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा एक तुमको ओवरव्यू दे दूंगा, इसके ऊपर कभी एक नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा या अगला लेक्चर कभी भी इस पर बना दूंगा, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, चार सब टॉपिक्स होते हैं। एक होता है एडिशन रिएक्शन, एक होता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन, द लास्ट वन इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सो आई एम टॉकिंग अबाउट रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और इसमें भी कार्बोकटाइन जो रीअरेंजमेंट होता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में। तो गाइस, इसमें क्या होता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि व्हाई डू फ्यू ऑर्गेनिक रिएक्शन अंडरगोज रीअरेंजमेंट। सबसे पहले तुमको एक बेसिक कंसेप्ट ये मालूम होना चाहिए क्यों कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन रीअरेंजमेंट जाती है, अंडरगो करती है। तो यार, इसके सबसे आसान सा इसका एक रीज़न है कि कोई भी कंपाउंड है ना, कोई भी चीज़ इंसान दुनिया में या कोई भी चीज़ है ना, उसको क्या चाहिए लाइफ में, स्टेबिलिटी चाहिए ना, है ना। तो वैसे ही ऑर्गेनिक रिएक्शन और में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। इसलिए जो इंटरमीडिएट हैं वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए रीअरेंजमेंट जाते हैं, ठीक है। पहली चीज़ क्लियर कि ऐसा क्यों होता है यार, ये क्वेश्चन आता है ना दिमाग में, तो वो मैंने क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद और आते हैं कि इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है। तो देखो, दैट इज 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन मिथाइल इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, ओके। तो 3 डिग्री जो कार्बोकटाइन है वो ज़्यादा होता है स्टेबल एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, एज कम्पेयर टू मिथाइल। ऐसा क्यों होता है, ये तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डीप का टॉपिक है। अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होता है, और भी सब पॉइंट्स होते हैं, तो वो जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा अच्छे से कवर करूँ ना वास्टली, तो बताऊँगा। अभी आज का जो टॉपिक है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन है, तो इतना याद रख लें कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल। और इसमें भी एक चीज़ याद रखना कि 3 डिग्री कार्बोकटाइन से ज़्यादा हम लोग प्रेफरेंस देते हैं रिंग एक्सपेंशन को, ठीक है। और इसमें एक चीज और है इंपॉर्टेंट, कार्बोकटाइन हैविंग मोर अल्फा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल, ओके, गॉट इट। सो द कार्बोकटाइन हैविंग मोर अल्फा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल। एंड वन थिंग यू शुड ऑल्सो लर्न इज दैट रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस टिल द टाइम स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ओके, गॉट इट। ये तो मैंने अभी बताया था। तो अच्छा, एक चीज़ और, आप किसी को यार कह रहे होगा यार कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, यही नहीं मालूम मेरे को, तो मैं बता देता हूँ अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। यार जैसे ये तो ये जो कार्बोकटाइन तेरे को दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है कार्बोकटाइन, इसके बगल में जो पी ग्रुप है उसमें कितने हाइड्रोजन है, तो है ना, तो दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कार्बोकटाइन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 हैं, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अब और आगे बात करता हूँ। देखो, ये 1 डिग्री कार्बोकटाइन है ना, है ना, 1 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अपने आप ही ये 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज मैंने बताया था कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है। अच्छा, अगर किसी को डिग्री देखना नहीं आता है तो मैं बता दे रहा हूँ, डोंट वरी। देखो, ये क्या है, कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, कितने कार्बन से जुड़ा है, 2, तो इसलिए 2 डिग्री। ये जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, कितने कार्बन से जुड़ा है, 1, तो इसलिए इस पर 1 डिग्री, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये थोड़ा इसका मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले याद करना है कि ऑल रीअरेंजमेंट टेक प्लेस इन इंट्रा मॉलिक्यूलर मैनर, ओके। अच्छा, अब इसमें आपको क्या याद करना है कि मतलब कैसे काम करता है। तो होता क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। सो व्हाट इट विल डू, इट विल ट्राई टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एडजेसेंट कार्बन, राइट। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, अब इसमें कमी होगी तो उस कमी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और यहाँ से जाके इधर आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा क्योंकि इस पर कमी हो गई एक हाइड्रोजन की, तो ये कंपाउंड ऐसा बन जाता है। यानी 1 डिग्री स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए 2 डिग्री में चला जाता है, बस ये याद रखो, ठीक है। एग्जाम्पल्स कुछ आपको देता हूँ मैं, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है इसके बाद तुम्हारे सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है ना। तो जैसे ये 1 डिग्री है कार्बोकटाइन, ऑब्वियसली मैंने बताया था कि ये किस में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री कार्बोकटाइन में, है ना, ठीक है, तो 2 डिग्री हो गया। अब 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल क्या होता है, 3 डिग्री। क्या यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकटाइन बन रहा है, हाँ ना, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर कर देंगे बन रहा है ना। सो दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट। तो ये हो गया कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट, यानी ये अपने आप ही, अगर तुमको कोई भी
जब तुम प्रॉब्लम लगा रहे हो, ऐसे कुछ कंपाउंड बन रहे हैं, तो ये कंपाउंड एक्चुअली में नहीं होगा, ये अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 3 डिग्री में। ओके, कभी भी 1 डिग्री 2 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है या 3 डिग्री में हो सकता है, तो वो होना चाहेगा। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? जैसे कि इस वाले में बात करते हैं, ये 1 डिग्री है, इधर आ जाएगा 2 डिग्री बन गया। अब अगर ये इधर आता है तो 3 डिग्री बन जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ कार्बन की चार बन चुके हैं, बैलेंस कंप्लीट हो चुकी कार्बन की, है ना। तो क्या होगा कि जैसे हाइड्रोजन शिफ्ट होता था ना, ये देखो ना, ये पुराने वाले में यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट कराया था नीचे, वैसे ही यहाँ पर हम लोग मिथाइल शिफ्ट करा देंगे। बस अगर इसको हटा के यहाँ पर जोड़ देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, जो कि 3 डिग्री बन जाएगा, है ना, है कि नहीं। तो इसलिए तुमको याद करना है कि ऑलवेज 3 डिग्री कंपाउंड बनाने की हम लोग सोचते हैं, कुछ भी करके अगर बन रहा है तो हम लोग करेंगे, मिथाइल हटा के या फिनाइल हटा के अगर वहाँ पर बन रहा है तो हम लोग करेंगे। गॉट माई पॉइंट? फिर इसकी बात करते हैं, जैसे ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री बनना चाहेगा, ये बन गया। अच्छा, अब फिर से अगर इसको हम पॉजिटिव चार्ज को इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा कंपाउंड, तो 2 डिग्री तो ये भी, 2 डिग्री तो ये भी है, तो ये क्यों नहीं बना? बिकॉज इसमें 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसमें 5 है ना। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन जिसके ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ये भी याद रखना है तुमको। वॉट माई पॉइंट? और 2 डिग्री ही बन रहा है, अब ये 2 डिग्री में ये 5 अल्फा हाइड्रोजन वाला, तो यही बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। ओके, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ इट। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखनी है कि कभी भी कोई रिंग है ना, रिंग में 3 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं बनता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है। रिंग तो ऑलरेडी स्ट्रेन है, सब पकड़े हैं मुझको, और एक और ऊपर से सर पे किसी ने मार दिया तो भाई हालत ख़राब हो जाएगी, मैं तो गिर जाऊँगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि रिंग में कभी भी रिंग स्ट्रेन इंक्रीज हो जाती है, इसलिए 3 डिग्री नहीं बनता है। इंस्टेड एक चीज़ मैंने बताई थी स्टार्टिंग में कि रिंग एक्सपेंशन ग्रेटर देन 3 डिग्री, कार्बोकैटायन ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। तो कोई भी रिंग है ना, वो रिंग एक्सपेंशन करना चाहेगी। तो जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है इस रिंग पे, है ना, सो व्हाट इट विल डू, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा कि ये जो है ना रिंग, ये टूटेगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ पर आ जाएगा और ये इससे जुड़ जाता है, तो ये बन जा रहा है। समझ रहे हो? गॉट माई पॉइंट? यानी मैं क्या कह रहा था, क्या हुआ कि ऑलवेज 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 अपन ने क्या करना है कि जो कार्बोकैटायन के बगल वाला कार्बन है उससे जो कार्बन जुड़ा है वो जोड़ना होता है कार्बोकैटायन से। समझ रहे हो? कार्बोकैटायन के बगल वाला जो कार्बन है उससे जो कार्बन जुड़ा है वो जोड़ना होता है हम लोग को कार्बोकैटायन से। यानी ये जोड़ देंगे और ये बन जाएगी रिंग, इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो रिंग एक्सपेंशन हो गया। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, क्लियर? फिर और हम लोग बात करते हैं आगे, एक्सपेंशन हैपेंस फ्रॉम एडजेसेंट पोजिशन, ये मैंने अभी बताया था, यहाँ से टूटता है से जाता है, ये बन जाता है। इसमें भी क्या होगा कि इसके बगल में जो कार्बन है उसके बगल वाला टूटेगा और जुड़ जाएगा। देखो यही हुआ ना, नंबरिंग कर लिया करो, अगर कोई दिक्कत हो करके देखो बताना मेरे को। सो ये रिंग एक्सपेंशन हो गया। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। एंड इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म हो गया है। सो गाइस, छुट्टियाँ चल रही हैं भैया, पढ़ाई कर लो, है ना, अच्छी जगह हो जाएगा, मौज मारोगे जैसे मैं मार रहा हूँ। हालांकि कोविड एरा है, ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है, बट स्टिल थोड़ी मौज होती है यार, है ना। तो थैंक यू। कब तक है?